Hi, welcome to PLP Advisory Services. My name is Anil Verma and today in this video, I am going to discuss about one of the most important commercial launch in New Gurgaon. I am going to talk about DLF's upcoming commercial project in Sector 91 of Gurgaon. बात करते हैं DLF की, तो DLF एक बहुत ही बड़ा नाम है, एक रेप्यूटेड नेम है और खासकर अगर हम बात करते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट की, तो गुड़गांव को बसाने वाला, गुड़गांव को गुड़गांव बनाने वाला DLF ही माना जाता है। उन्हीं का ही प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 91 में, जहां पर DLF के पास ऑलरेडी बहुत से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, गार्डन सिटी एनक्लेव करके 25 एकर्स का एक लो राइज फ्लोर्स का उनका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा वहां पर उनके पास हाई राइज में DLF न्यू टाउन हाइट्स है। उसके अलावा आपके पास विसिनिटी में बहुत से रेजिडेंशियल कैचमेंट और भी है और जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड मिलता है और DLF एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है DLF के अंदर, आपका जो एप्रिसिएशन रहता है वो कहीं ना कहीं कंपेयर टू अदर बिल्डर्स अच्छा रहता है। बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ नेबरहुड मार्केट। आपका 0.89 एकर्स की ये मार्केट है जिसमें आपको 60 मीटर वाइड जो सेक्टर रोड है वहाँ से एंट्रेंस मिलेगी। अच्छी प्लेसिंग है शॉप्स की भी, अच्छी प्लेसिंग है प्रोजेक्ट की। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का इसमें आपको स्पेसिफिकेशंस मिलता है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक 5400 स्क्वायर फीट का एंकर स्टोर मिलता है। उसके अलावा आपको मिलती है 39 शॉप्स जिसमें आपके साइजेस होंगे 500 से 900 स्क्वायर फीट। सेम क्राइटेरिया गोज फॉर फर्स्ट फ्लोर। और बात करते हैं सेकेंड फ्लोर की, तो वहाँ पर आपको लिमिटेड शॉप्स मिलती है, चार वहाँ पर आपको शॉप्स होंगी। काइंड ऑफ आपको वो रेस्टोरेंट स्पेसेस होंगे, 1100 से लेकर 1800 स्क्वायर फीट के बीच में वो साइज होगा। साइजेस की बात करें ग्राउंड और फर्स्ट की, तो वहां पे जो आपके साइजेस हैं वो आपके 500 स्क्वायर फीट से लेकर 900 स्क्वायर फीट के बीच में रहेंगे। जब मैं बात करता हूं प्राइस की, तो प्राइसेस में इफ वी कंपेयर ऑल अदर डेवलपर्स इन द विसिनिटी, उनसे कम प्राइस आपको DLF में मिलता है। DLF जैसा ब्रांड नेम और जो प्राइस है वो आपको उनसे कम मिलता है। जो इसमें इन्वेस्टमेंट है आपकी 1.45 से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप आराम से फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स आप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है जहां पर DLF के पास एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कैचमेंट खुद का है, उसके अलावा रामप्रस्था का प्लॉट्स है, उसके अलावा बहुत सी वहाँ पे टाउनशिप है जिसमें कि लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। तो एक जो प्राइमरी कैचमेंट है फॉर दिस प्रोजेक्ट, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लिमिटेड शॉप है, और उसके लिए जो एक प्राइमरी कैचमेंट और उसके लिए जो एक प्राइमरी कैचमेंट है वो भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और DLF की प्रॉपर्टी, DLF का कंस्ट्रक्शन हमेशा ए ग्रेड रहता है, जिसकी वजह से जो भी ब्रांड्स DLF की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं हमेशा अच्छे ब्रांड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें आपका जो पेमेंट प्लान है वो भी अट्रैक्टिव है, आपको पूरी लिबर्टी मिलती है पेमेंट करने के लिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि रेरा इसका जल्दी ही आने वाला है और हो सकता है कि अगले 20-25 दिन के अंदर DLF इसको ऑफिशियली लॉन्च भी कर दे। बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स है, यूनिट्स आएगी और तुरंत निकल जाएगी क्योंकि DLF का नाम बहुत बड़ा है। और थोड़े ही दिन पहले जो उनका प्रोजेक्ट आया था DLF पिडवाना साउथ, और वो भी लॉन्च होने से पहले ही आपका सोल्ड आउट हो गया था। अब DLF उसी लोकेशन पर SPR पर 76 के अंदर DLF प्रिवाना नॉर्थ करके लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि 15 फरवरी के बाद या मार्च में वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए। वो भी अपने आप में एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी होने वाली है, 800 से 850 अपार्टमेंट्स उसमें रहेंगे। स्पेसिफिकेशन, साइजेस, एमिनिटीज़ उसकी लगभग वैसी ही रहेगी जैसे कि आपको DLF प्रिवाना साउथ में मिली थी। अगर आप इंटरेस्टेड हो DLF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये भी आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन दोनों अपॉर्चुनिटी को डिटेल में डिस्कस करने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स मैंशनड ऑन दिस YouTube वीडियो स्क्रीन। इट वॉज ऑल अबाउट DLF's अपकमिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।